हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेक्राम अकेडमी। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर में इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। तो वो डिवाइसेस जिनके थ्रू हम कंप्यूटर में इनपुट देते हैं किसी भी चीज़ का। अगर हमें टेक्स्ट इनपुट देना है तो हम कीबोर्ड का यूज़ करते हैं, अगर हमें कोई बटन वगैरह प्रेस करना है तो माउस का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर हमें कोई फोटो सेंड करनी है तो हम स्कैनर का यूज़ करते हैं, फिर कैमरा का यूज़ करते हैं। तो वो सारी डिवाइसेज हमारी इनपुट डिवाइसेज होती हैं, ठीक है। सारे इनपुट डिवाइसेज को हमारा सीपीयू मैनेज करता है। अगर हम एग्जांपल्स देखें इनपुट डिवाइसेस के, तो बहुत सारे हैं जिसमें से कुछ मेन हैं कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, टच स्क्रीन या फिर बारकोड रीडर, ठीक है। वन बाय वन देखते हैं इन सारे को। सबसे पहले तो कीबोर्ड। कीबोर्ड जस्ट लाइक अ टाइप राइटर, इट हैव 108 कीज़। ज़रूरी नहीं है कि हमारी 108 कीज़ ही इसमें हों, ये डिपेंड करता है हमारे कंप्यूटर के साइज़ के ऊपर, सॉरी हमारे कीबोर्ड के साइज़ के ऊपर, ठीक है। अगर हमारे कीबोर्ड का साइज़ लार्ज है तो हो सकता है उसमें 108 कीज़ हों, लेकिन अगर हमारे कीबोर्ड का साइज़ ही छोटा है तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि इतनी सारी कीज़ अवेलेबल हों, ठीक है। हो सकता है हमारा न्यूमेरिक कीपैड हो ही ना। तो बेसिकली जो हमारे कीज़ के टाइप होते हैं, हम इन्हें कैटेगराइज कर सकते हैं, जितने हमारी कीज़ हैं उन सबको कैटेगराइज कर सकते हैं। तो सिक्स मेन कैटेगरीज है जिनमें हम कीज़ को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे अल्फा न्यूमेरिक कीज़ होती है हमारी ए बी सी डी वाली, ठीक है। या उसके ऊपर जो नंबर्स लिखे होते हैं अल्फा, जस्ट अल्फा न्यूमेरिक के ऊपर 1 2 3 4 5, 1 से लेकर के 0 तक, एंड जो उसके ऊपर सिंबल्स वगैरह भी होते हैं, ठीक है। एट द रेट है, एम्परसेंट है, या फिर हैश है, या फिर डॉलर साइन है। तो ये सारे हमारे अल्फा न्यूमेरिक कीज़ में आते हैं, ठीक है। इसके अलावा अल्फा न्यूमेरिक कीज़ में हमारी टैब की, कैप्स की, एंड बैक स्पेस और एंटर की, ठीक है। ये भी हमारी अल्फा न्यूमेरिक की के अंदर आती हैं। सेकेंड है हमारा न्यूमेरिक कीपैड। न्यूमेरिक कीपैड सारे कीबोर्ड्स में नहीं होता है। जिन लैपटॉप का साइज़ छोटा होता है या फिर जिन कीबोर्ड का साइज़ छोटा होता है, उनमें न्यूमेरिक कीपैड नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो न्यूमेरिक कीपैड क्या होता है, जहाँ से 0 से लेकर 9 तक हमारे कीपैड के जस्ट राइट साइड में एक पोर्शन होता है न्यूमेरिक कीपैड के लिए, जिसमें 0 से लेकर के 9 तक सारे नंबर्स होते हैं। उसके अलावा कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन वाले भी बटन्स होते हैं, जैसे कि प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, या फिर डिवाइड बाई है, ठीक है। एक डेसिमल की होती है एंड एंटर की होती है। एंटर की भी होती है न्यूमेरिक कीपैड में, जो कि हमारी अल्फा न्यूमेरिक में भी है, लेकिन अल्फा न्यूमेरिक की एंटर की अलग है और न्यूमेरिक कीपैड की एंटर की अलग है। उसके अलावा आती है फंक्शन की, ठीक है। फंक्शन की हमारी F1 से लेकर के F12 तक होती हैं। जैसे आपने देखा होगा एकदम टॉप रो जो होती है, टॉप रो होती है हमारे कीबोर्ड की। अब मोस्टली ये कीज़ यूज़ की जाती हैं शॉर्टकट के लिए, ठीक है। जैसे मैंने स्क्रीन की ब्राइटनेस कम करनी है तो अलग अलग लैपटॉप्स में अलग अलग फंक्शनैलिटी है इन फंक्शन कीज़ की, ठीक है। या फिर अगर हम जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग फंक्शन की जो हमारा होता है ना फंक्शन की का ऑपरेशन, वो भी बदलता रहता है, ठीक है। जैसे वॉल्यूम कम करना है, या फिर हमें स्क्रीन का टच पैड, हमें टच पैड बंद करना है, या फिर हमें स्क्रीन की लाइट ऑफ करनी है, तो वो सब फंक्शन की के थ्रू शॉर्टकट क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। फिर बात आती है विशिष्ट उद्देश्य या फिर स्पेशल पर्पज़ कीज़, ठीक है। स्पेशल पर्पज़ कीज़ में क्या होता है कि जो हमारी कीज़ एक स्पेशल पर्पज़ के लिए बनाई जाती हैं, जैसे कि हमारा है प्रिंट स्क्रीन, इंसर्ट की या फिर डिलीट की, ठीक है। तो या फिर एस्केप की कह सकते हैं हम। तो ये सब हमारी स्पेशल पर्पज़ कीज़ होती हैं। या फिर हम बताएं पावर बटन जो हमारा होता है, वो भी एक स्पेशल पर्पज़ है। उसका एक स्पेशल पर्पज़ है कि वो पावर को ऑफ करता है ना, सिस्टम को शट डाउन करता है। या फिर हमारी जो स्टार्ट की है, ठीक है, ये सब हमारी क्या आती हैं, स्पेशल पर्पज़ कीज़, ठीक है। उसके बाद आती है मॉडिफायर कुंजियाँ। ये यूज़ की जाती हैं और कीज़ के ऑपरेशंस को बदलने के लिए, ठीक है, और की के फंक्शनैलिटी को बदलने के लिए। जैसे कि अगर हमें ए लिखा है, ठीक है, वो स्मॉल में आएगा। अगर हमें कैपिटल में ए लिखना है तो हम शिफ्ट को प्रेस करते हैं, फिर ए दबाते हैं, ठीक है। तो शिफ्ट और ए का कॉम्बिनेशन क्या हुआ, हमारा मॉडिफायर। तो शिफ्ट हमारी एक मॉडिफायर की है, ठीक है। ऐसे ही और भी हमारी कीज़ होती हैं, जैसे शिफ्ट है, कंट्रोल है, आल्ट है, ठीक है। ये अकेले वर्क नहीं करती हैं, इनके लिए कोई ना कोई और कीज़ साथ में होनी चाहिए, ठीक है। हम किसी गेम की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि गेम में तो हमारा कंट्रोल अलग से भी वर्क कर जाता है। हम एक बात कर रहे हैं नॉर्मल विंडो की, या फिर नॉर्मल जो हमारे सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं उनकी, ठीक है। तो वहाँ पे हमारा शिफ्ट की का कोई प्रॉपर यूज़ नहीं होता है, जब तक हम किसी और की के साथ इसे यूज़ ना करें, ठीक है। तो इसलिए इसे मॉडिफायर कुंजियाँ बोलते हैं, क्योंकि ये और कीज़ की फंक्शनैलिटी को मॉडिफाई करती है। फिर आता है हमारा कर्सर कीज़। कर्सर कीज़ हमारी कुछ नहीं होती है, जो हमारा एरो कीज़ होती हैं, अप डाउन एंड लेफ्ट राइट, ठीक है, वो एरो कीज़ को हम कर्सर कीज़ बोलते हैं। फिर आता है टाइप्स ऑफ कीबोर्ड, कितने टाइप के हमारे पास कीबोर्ड अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है। सबसे पहले तो सिंपल कीबोर्ड जो हम लोग यूज़ करते हैं, उसके में एक डेटा केबल होती है, डेटा केबल को हम इंसर्ट करते हैं और हम टाइप कर सकते हैं कुछ भी जो हम टाइप करना चाहते हैं, ठीक है। दूसरा आता है हमारा वायरलेस कीबोर्ड। वायरलेस कीबोर्ड में क्या होता है कि हमारी जो कीबोर्ड नॉर्मल कीबोर्ड में जो तार होती है वो ना कनेक्ट होकर के डायरेक्टली वायरलेसली, मतलब कोई डायरेक्टली इंटरेक्शन नहीं है कंप्यूटर और हमारे कीबोर्ड के बीच में, कोई तार नहीं है, ठीक है, या कोई केबल नहीं है, दोनों के बीच में वायरलेसली इनपुट जा रहे हैं, ठीक है। कैसे जाते हैं कि हम एक छोटी सी डिवाइस आती है
वो हम इंसर्ट कर देते हैं हमारे कंप्यूटर में, और कीबोर्ड को हम आसपास में लेकर कहीं भी बैठ सकते हैं, उसमें कुछ भी इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इन कीबोर्ड्स में बैटरी वगैरह भी होती है, हालांकि इतना चलते नहीं है, लेकिन फिर भी मार्केट में ये सारे कीबोर्ड्स अवेलेबल हैं। ठीक है, उसके बाद में आती है कि एर्गोनॉमिक कीबोर्ड क्या होता है। ठीक है, एर्गोनॉमिक कीबोर्ड कुछ खास नहीं होता है, जस्ट एक्चुअली आपको दिखाएं तो दिस इज़ ये हमारा एर्गोनॉमिक कीबोर्ड है। अगर आप बहुत सारी टाइपिंग करते हैं, ठीक है, तो आपको हो सकता है कोई हाथ में दर्द वगैरह हो, तो इन सब कुछ चीज़ों को हटाने के लिए उस कीबोर्ड को स्पेशली ऐसे डिज़ाइन किया जाता है टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है, जिसके थ्रू हम नॉर्मली मतलब बिना ज़्यादा हाथ में दर्द पैदा किए या फिर स्पीड बढ़ाने के लिए हम उन कीबोर्ड को मॉडिफाई करते हैं, उनका जो आकार वगैरह है, साइज़ वगैरह है, वो चेंज करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमारे दो ही हैं, साधारण कीबोर्ड जो हमारा नॉर्मल कीबोर्ड है और हमारा जो वायरलेस कीबोर्ड है। ठीक है, एर्गोनॉमिक कीबोर्ड कुछ नहीं है, बस हमारा जो उसका स्ट्रक्चर है कीबोर्ड का वो चेंज कर दिया जाता है ताकि हमारे हाथों वगैरह में दर्द ना हो और हमारी स्पीड पहले से इंक्रीज हो जाए। ठीक है, फिर बात आती है माउस की। एक्चुअली माउस इज नथिंग जस्ट अ पॉइंटर डिवाइस। ठीक है, पॉइंटर डिवाइस क्या होता है, जिससे हम कुछ भी पॉइंट कर सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। ठीक है, या अगर हमें कुछ क्लिक करना होता है तो हम माउस के थ्रू क्लिक कर देते हैं। माउस की मेन जो वर्किंग होती है वो होती है क्लिकिंग। ठीक है, हम किसी चीज़ को क्लिक करना चाहते हैं, कोई बटन से क्लिक करना है, ठीक है, कोई फोटो है उसे क्लिक करना है, ओपन करना है, तो डबल क्लिक क्या होता है और दायां क्लिक क्या होता है, ठीक है, राइट क्लिक क्या होता है, तो जस्ट क्लिक हम बोलते हैं लेफ्ट क्लिक को, डबल क्लिक बोलते हैं जब उसी लेफ्ट क्लिक को डबल बार दबाते हैं, राइट क्लिक बोलते हैं जो हमारे माउस में दो कीज होती हैं, हम उसकी लेफ्ट या एक लेफ्ट की होती है जिसे क्लिक बोलते हैं, ठीक है, एक राइट की होती है जिसे हम राइट क्लिक बोलते हैं। ओके, ड्रैग होता है अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को उठा के कहीं और रख रहे हैं, मतलब आपने कोई फाइल है, दो फोल्डर खोल रखे हैं, आप एक की फाइल को कॉपी करके ड्रैग कर रहे हैं, वहाँ से हमने बटन को प्रेस किया, लेफ्ट क्लिक किया, उसे हटाया नहीं लेफ्ट क्लिक के लिए, ठीक है, वहाँ से वापस गए और दूसरे पर जाके छोड़ दिया, तो ये होता है हमारा ड्रैगिंग। फिर स्क्रॉलिंग, स्क्रॉलिंग के बीच में एक व्हील होता है माउस में, ठीक है, जैसे हम अप एंड डाउन करके हमारी विंडो को स्क्रॉल कर सकते हैं, ठीक है, हमारी फाइल्स को स्क्रॉल कर सकते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ माउसेज अवेलेबल इन मार्केट। सबसे पहले होता है मैकेनिकल माउस। इन माउस के नीचे एक रबर की बॉल लगी होती है, ठीक है, हम जैसे माउस को मूव करते हैं वो बॉल मूव होती है, और उसी बॉल की सेंसेशंस को सेंसर के थ्रू वो लोग कैच करके हम दिखाते हैं कि पॉइंटर कहाँ कहाँ लेके जाना है स्क्रीन पर। ओके, सेकेंड बात आती है ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस में जो बॉल थी उसकी जगह पे लाइट का यूज़ हो रहा है, ठीक है, वो लाइट के थ्रू पता लगता है कि हम कितनी स्पीड से माउस मूव कर रहा है और किस तरफ के लिए मूव कर रहा है। ऑप्टिकल माउस हम आजकल मोस्टली यूज़ कर रहे हैं। और फिर आता है हमारा कॉर्डलेस माउस। ठीक है, ये भी हमारे जैसे वायरलेस कीबोर्ड था वैसे ही एक वायरलेस माउस है, जिसे हमें कंप्यूटर से किसी केबल के थ्रू कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, विदाउट किसी केबल वगैरह के कनेक्ट कर सकते हैं वायरलेसली। जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है जो गेमिंग के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, मोस्टली हम गेम्स वगैरह हैं वो खेल सकते हैं कंप्यूटर के कीबोर्ड से, लेकिन हैंडलिंग इतनी परफेक्ट नहीं आती जितनी हमारी जॉयस्टिक वगैरह से आती है। ठीक है, अगर आपने कोई गेम वगैरह खेला होगा बचपन में, अभी भी खेलते होंगे, तो मोस्टली अगर हम रेसिंग गेम वगैरह प्ले कर रहे हैं, ठीक है, तो रेसिंग गेम में अगर हमें कार को हैंडल करना है तो हम जॉयस्टिक के थ्रू इजिली कर सकते हैं, ना कि कीबोर्ड के थ्रू। ओके, ऐसी हमारी एक इनपुट डिवाइस होती है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल आपने देखा होगा, ब्लैकबेरी का आपके पास फोन है, ब्लैकबेरी का है, जो पुराने सैमसंग के कुछ मॉडल्स आए थे जिनमें ट्रैक बॉल हुआ करते थे, ठीक है, ऐसे एक ट्रैक बॉल डिवाइस कंप्यूटर के लिए भी अवेलेबल है जो माउस वाला ही काम करती है। ठीक है, वहाँ माउस को मूव कर रहे थे, यहाँ हम ट्रैक बॉल को मूव करते हैं। ठीक है, तो माउस के लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए होता है उसको मूव करवाने के लिए, यहाँ पे हमारी जो डिवाइस है वो वहीं रखी रहती है, उसके ऊपर जो बॉल है हम उससे मूव करवाते हैं। ठीक है, उसके थ्रू हम कहीं भी जा सकते हैं, मतलब कहीं पॉइंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है लाइट पेन। अगर आपने स्मार्ट क्लासेस देखी हो तो लाइट पेन का यूज़ होता है किसी चीज़ ऑब्जेक्ट को पिक करने के लिए। ऑब्जेक्ट मतलब जो हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन पे कोई भी चीज़ है, कोई फाइल है, कोई फोल्डर है, तो उसे पिक करने के लिए हम लाइट पेन का यूज़ करते हैं। या अगर हमें कोई ग्राफिक्स ड्रॉ करने हैं, हमें कोई पेंटिंग ड्रॉ करनी है, तो माउस के थ्रू हम उतने इफेक्टिवली मूव नहीं कर पाते उतने, अगर उतने हम इफेक्टिवली मूव कर पाते तो हमें लाइट पेन की ज़रूरत नहीं पड़ती। लाइट पेन से क्या होता है कि जस्ट एक पेंसिल की तरह वो वर्क करता है। अगर आपने कभी कोई ग्राफिक टैबलेट यूज़ की हो, ठीक है, कोई पेंटिंग वगैरह बनाने के लिए, तो आपको पता होगा कि माउस से उतनी इफेक्टनेस नहीं आती है जितनी हमारी एक लाइट पेन से आती है। ठीक है, तो लाइट पेन से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी चीज़ ड्रॉ कर सकते हैं, ग्राफिक्स डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, किसी चीज़ को पिक करना है या फिर कोई सॉफ्टवेयर वगैरह हम यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे हमें कुछ साइन वगैरह करने हैं, जो डिजिटल सिग्नेचर होते हैं, आपने देखा होगा अगर आपने कोई ऑनलाइन चीज़ ऑर्डर की हो, जब वो पार्सल वगैरह लेके आते हैं तो आपसे साइन करवाते हैं। ठीक है, साइन एक पेन से करवाते हैं, वो पेन को हम लाइट पेन बोलते हैं। या फिर कुछ बड़े कॉलेजेस में जहाँ स्मार्ट क्लासेस होती हैं, वहाँ पर वो पेन की जगह पर लाइट पेन का यूज़ करते हैं। यस, टच स्क्रीन भी एक इनपुट डिवाइस है।
ठीक है, हम स्क्रीन है उसके ऊपर टच लगा देते हैं, जिसके थ्रू हम उससे स्क्रीन से इनपुट दे सकें, ठीक है, अपने फिंगर से या फिर अपने कोई लाइट पेन वगैरह है उससे हम इनपुट वगैरह दे सकें। और टच स्क्रीन का एक एग्जांपल है, जैसे कि एटीएम में अगर हम जाएं तो एटीएम में हम टच स्क्रीन का यूज़ करते हैं अपने कैश विदड्रॉ करने के लिए। यहाँ हमें किसी माउस या माउस है हमारा लाइट पेन, इन चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, हमारी फिंगर से भी यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है बारकोड रीडर। आप अगर किसी मॉल वगैरह में गए हों तो जब हम शॉपिंग करके लौटते हैं तो वो लोग बिल बनाने के लिए हर जो प्रोडक्ट होता है, हर प्रोडक्ट को उठाते हैं, उसमें जो बारकोड लिखा होता है उसे स्कैन करते हैं, ठीक है। बारकोड रीडर में कुछ नहीं होता है, कुछ इन्फॉर्मेशन होती है। इन्फॉर्मेशन में उसका नाम हो सकता है, या उसका प्राइस हो सकता है, या फिर उसकी एक्सपायर डेट हो सकती है, जो भी इन्फॉर्मेशन हम बारकोड में सेव कर रखी है वो, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये वहाँ बारकोड है, इसको अगर आप स्कैन करते हैं तो ये नाम आएगा टेग्राम अकेडमी, ठीक है। तो बारकोड स्कैन में क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन को हम एक कोड के अंदर जनरेट कर देते हैं, ओके। फिर आता है स्कैनर। स्कैनर क्या होता है, अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट स्कैन करवाया और डॉक्यूमेंट स्कैन करवा के उसकी पीडीएफ बनवा के अपने फ़ोन में डाल देते हैं, ठीक है, तो वो स्कैनर का काम करता है। स्कैनर क्या करता है, हमारे जो फाइल वगैरह है या जो हमारी पिक्चर वगैरह है वो हम स्कैनर पे रखते हैं, वो हमें स्कैन करके कंप्यूटर को इनपुट दे देता है, राइट। तो स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है जो हमारी किसी चीज़ को स्कैन करके, किसी पिक्चर को स्कैन करके, किसी टेक्स्ट फाइल को स्कैन करके कंप्यूटर को इनपुट दे देती है, ओके। फिर आता है OMR शीट, सॉरी नॉट शीट, इट्स एक्चुअली OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है। ये एक ऐसी डिवाइस है जो किसी कागज़ पर अगर हमने पेन या फिर पेंसिल से कोई मार्क वगैरह डॉट किया है, कुछ मार्क किया है, तो वो उसे गेट कर लेता है, ठीक है, उसे फैच कर लेता है कि यहाँ पे कोई पेन से डॉट किया गया है या फिर नहीं किया गया है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने कभी फॉर्म वगैरह भरा हो या फिर आपने एग्ज़ाम वगैरह दिया हो जहाँ पे जो जो क्वेश्चन थे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हों, ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, पेंसिल से हम लोग के लिए ब्लॉक चार ऑप्शंस होते हैं, उनके आगे गोले वगैरह बने होते हैं, ठीक है, उन गोलों को ब्लॉक करना होता है पेंसिल से, ठीक है, भरना होता है। तो वहाँ पे OMR शीट जब वो जाती है, जहाँ से मतलब किसी कॉलेज में या फिर जहाँ भी OMR रीडर उसका है, ठीक है, वो रीडर क्या करता है, वहाँ से OMR शीट को पिक कर लेता है, जहाँ जहाँ डॉट किए होते हैं उन चीज़ों को गेट कर लेता है, ठीक है, और रिटर्न कर देता है। तो OMR का यूज़ हम मोस्टली एग्ज़ाम पेपर्स में ही करते हैं, या फिर आपने कोई फॉर्म वगैरह भरा होगा वहाँ पर रोल नंबर वगैरह अगर सबमिट किया हो तो वहाँ पर यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें हो सकता है लिखने वाले से थोड़ी गलती हो गई हो, ठीक है, लिखने में कुछ गलती हो गई हो, तो लेकिन जो OMR शीट है अगर वो आपने प्रॉपर फिल की है तो कंप्यूटर से उसे रीड करने में जल्दी की गलती नहीं होती है। OMR की तरह OCR है हमारे पास में, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन, ठीक है। ये क्या करता है कि इसके अंदर बहुत सारे फॉन्ट होते हैं, ठीक है, रीडर के अंदर, अगर आपके उसमें कार्ड है, कोई पिक्चर है, तो ये कार्ड से उस टेक्स्ट को निकाल लेगा, ठीक है। जैसे आपके उस कार्ड है, कार्ड के फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, और अगर आप कैमरा के आगे या जो हमारा OCR रीडर है उसके आगे करते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है कि उसको फैच कर लेता है, जो हमारा टेक्स्ट होता है, जो मतलब किसी पिक्चर के ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है या फिर हमारे किसी चीज़ के ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है, फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, किसी का नाम लिखा हुआ है, तो उन्हें गेट करने के लिए हम OCR डिवाइस का यूज़ करते हैं, ठीक है। एक्चुअली ये टेक्निक होती है, हम इसे फ़ोन में भी डाल सकते हैं, या फिर हम इसे किसी रीडर के अंदर भी डाल सकते हैं, या फिर किसी कंप्यूटर के अंदर भी डाल सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो OCR का यूज़ कैरेक्टर को रीड करने के लिए होता है किसी भी पिक्चर वगैरह से, ठीक है। तो ये थी कुछ इनपुट डिवाइसेस, ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारी होती हैं जो हम, अगर कोई डाउट हो आपके लिए तो आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है, आप पूछ लीजिए कमेंट में। दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।